नमस्कार, मेरा नाम है साजेब और आप देखना शुरू कर चुके हैं NX9 न्यूज पॉलिटिकल बाइट। उत्तर प्रदेश स्थित मैनपुरी सीट पर उपचुनाव हो रहा है। मैनपुरी सीट पर लगातार सियासत गरमाई हुई है। मैनपुरी सीट को लेकर के जिस तरीके से लगातार आप देखेंगे कि डिंपल यादव को अखिलेश यादव के उतारते ही सियासत गर्म हो गई। रघुराज साकिया के नाम का ऐलान कर देती है भाजपा, उसके बाद लगातार हमला जो है यहाँ पर देखने को मिलता है। चाचा शिवपाल को लेकर के कवायद शुरू होती है। चाचा शिवपाल डिंपल यादव के यहाँ पर प्रचार प्रसार में नहीं पहुंच रहे थे, डिंपल यादव के नामांकन तक में नहीं पहुंचे थे। उसके बाद से चाचा शिवपाल को लेकर के सियासत तेज हो गई कि चाचा शिवपाल क्या साथ नजर आएंगे। फिर चाचा शिवपाल भी साथ नजर आए और अब देखिए कि डिंपल यादव के लिए हुंकार भरते हुए भी नजर आ रहे हैं। वहीं दूसरी ओर डिंपल यादव को जब से मैनपुरी के लिए उतारा गया है वो भी फुल एक्टिव मोड में नजर आ रहे हैं। डिंपल यादव भी लगातार जो है तमाम जगहों पर प्रचार प्रसार करने जा रही हैं। इसी बीच देखिए वो मुस्लिम महिलाओं से उन्होंने मैनपुरी में मुलाकात की। मुस्लिम महिलाओं के घर जाकर के उनसे उनका महत्वपूर्ण वोट मांगा है डिंपल यादव ने। आप समझ जाइए कि कितनी ताकत यहाँ पर जोकने का प्रयास कर रही है सपा, कि मुस्लिम महिलाओं का वोट मांगते हुए डिंपल यादव कहती हैं कि इस सरकार ने बस माइनॉरिटी का ही नहीं पूरे जो है ह्यूमैनिटी का शोषण किया है, सभी समाज का शोषण किया है और दमन किया है। इस सरकार को उखाड़ करके फेंकने के लिए हमारा जो है समर्थन कीजिए। ये बात डिंपल यादव यहाँ पर कहते हुए नजर आई है। तो बहरहाल देखना काफी ज्यादा दिलचस्प होगा कि मैनपुरी का क्या कुछ फैसला आता है। तब तक के लिए बने रहिए और देखते रहे नेक्स्ट 9 न्यूज पॉलिटिकल बाइट।